18 महीने और 10 लाख नौकरी। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही सुना है आपने। पीएमओ का ऑफिशियल ट्वीट है, जिसे सीधे तौर पर भारत के प्रधानमंत्री जी का ओपिनियन या विचार समझे जाते हैं। दोस्तों, कल केंद्र सरकार ने एक घोषणा की है कि अगले 18 महीने में यानी डेढ़ वर्ष में हम 10 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे। याद रखिएगा, इस बार रोजगार नहीं नौकरी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जब पिछली बार कहा गया था कि हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे, जिसमें उन्होंने किस किस चीज़ को एक रोज़गार में इंक्लूड किया था आप सब जानते हैं। खैर, क्या है इस घोषणा का पूरा मायना, हम आपके साथ चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो पूरा देखें। हो सकता है कि आप मेरे विचारों से सहमत ना हों, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप भी अपने विचार वहाँ कमेंट कर सकते हैं। विचारों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी इसे फॉरवर्ड ज़रूर करें। विचारों से असहमत है तब भी अपने विचार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि बहुत सारी विचारों में अगर अपन देखें या बहुत सारी न्यूज़ में अपन देखें, तो सीधे तौर पर निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि ये नौकरी की नहीं, इलेक्शन की तैयारी है। क्योंकि वर्ष 2024 में भारत में आम लोकसभा चुनाव होने हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, और इन्होंने वैकेंसीज के लिए वक्त चुना है अगले डेढ़ वर्ष। आज जून 2022 में यदि सीधे तौर पर 18 महीने इंक्लूड किए जाएं, तो ये पूरी तरह से दिसंबर 2023 तक जाता है। मई 2024 के आसपास चुनाव होने की संभावना है, यानी पूरी तरह से इस घोषणा को राजनीतिक रूप से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हकीकत भी है। हकीकत क्या है, कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें भर्तियां आएगी, मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। आपका क्या मानना है, हमें इस पर ओपिनियन ज़रूर दें। दोस्तों, इस 10 लाख नौकरी में कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं है, ये ध्यान रखें। शब्द नौकरी से जोड़ा गया है, इसलिए इसमें कहीं भी आपको सरकारी नौकरी का जिक्र नहीं किया गया। फिर भी अब मैं बात करूं, क्योंकि हर जगह न्यूज़ आई है, हर एक इंडेक्स में देखा गया है कि भारत में बेरोजगारी दर अपने पिछले 70 वर्षों के हाईएस्ट रेशियो पर पहुंच चुकी है। रिसेंटली रेलवे एग्ज़ाम रिजल्ट को लेकर के और भी जितने भी है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए उन्हें स्पष्ट पता लग गया था कि युवा और बेरोजगार जो है वो पूरी तरह से खिलाफ हो चुके हैं, या फिर यूँ कहें कि वो पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। उनकी अब कोई दिलचस्पी नहीं रही है, इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बेरोजगार और युवाओं के डर को ध्यान में रखते हुए ये एक कदम उठाया गया है। अब इस कदम को कहीं ना कहीं सही भी साबित करना होगा, ज़रूरी भी है, इसलिए संभावना है पूरी कि नौकरी मिल सकती है। सबसे बड़ी मैं अगर बात करूं, तो दोस्तों मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट होगा जहां सर्वाधिक वैकेंसी हो सकती है, मैक्सिमम भर्तियां इसी डिपार्टमेंट में हो सकती है, ये मेरा मानना है। और माय डियर, रेलवे में भी अगर वैकेंसी आएगी तो 2 पदों पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी आएगी। रेलवे में सबसे ज़्यादा जिस पद पर भर्ती आती है, उस पद का नाम है टेक्नीशियन। रेलवे में टेक्नीशियन की सर्वाधिक वैकेंसी आती है, और टेक्नीशियन के साथ साथ अगर मैं दूसरी पोस्ट की बात करूं, तो वो है ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट। अब इन दोनों पोस्ट के लिए अगर बात करें, तो हम सब जानते हैं कि इन दोनों पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो ITI होल्डर्स ही होते हैं। यानी यहाँ से एक रास्ता हमें नज़र आ सकता है, या यूँ कहें कि हमें एक विकल्प के तौर पर एक हमें दिखाई दे रहा है कि अब हमें यहाँ रोज़गार मिलने की एक बड़ी संभावना है। इसलिए ITI होल्डर्स बच्चे जितने भी हैं, विशेष तौर से जिनकी एज 24-25 साल से कम की है, जिस बच्चे ने अभी अभी ITI किया है, 18, 19, 20, 21
22, 23, 24, 25 साल तक का भी अगर कोई युवा है तो मेरा मानना है कि आज से ही उसे अपने इस टारगेट के लिए तैयारी में लग जाना चाहिए। ये एक मंजिल है जो उसे अब मिल सकती है, इसलिए आपको यहाँ अपनी तैयारी अब शुरू कर देनी चाहिए। एज पर सिलेबस आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, मानकर चलिए कि वैकेंसी आएगी। हाँ, जितनी पहले आया करती थी हजारों में, 40,000 50,000 पदों पर, हो सकता है इतनी अब ना आए, लेकिन इतनी ज़रूर आ जाएगी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस इसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी है और कंटिन्यू पढ़ना है। देखो, एक चीज़ और बताता हूँ, मान लेते हैं कि इसमें कोई हकीकत नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, आपके पास कोई और रास्ता है क्या? आपके पास स्टडी करने के अलावा कोई और ऑप्शन है क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर तैयारी में लग जाइए। कई बार मैंने ये देखा है कि बच्चे पूछते हैं कि सर, भर्ती आने वाली है क्या, भर्ती आएगी क्या? अगर भर्ती आएगी तो हम तैयारी करें। मेरे भाई, मैं हमेशा कहता आया हूँ कि इस तरह से कोई काम करो जिसमें आपकी तैयारी साथ में होती रहे। हर हालत में, हर कंडीशन में आपको रेगुलर पढ़ना ज़रूर है, अपनी पढ़ाई छोड़नी नहीं है। लगातार पढ़ते रहो, जैसे ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होता है तब सब कुछ छोड़ छाड़ करके उसके पीछे लग जाओ और तैयारी करो, फर्स्ट चांस में सिलेक्शन हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों, रेलवे के बाद अगर मैं सेकंड मानता हूँ तो दोस्तों वो है फोर्स। ध्यान रखना, इसके लिए अलग से भर्ती जारी नहीं करते हैं, इसी को इंक्लूड करेंगे। और अब तो इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि हम अग्निवीर के नाम से भर्ती करेंगे, जिसके लिए केवल 4 वर्ष की योग्यता रहेगी, मतलब नौकरी रहेगी, 4 वर्ष बाद में हम उसको रिटायर कर देंगे। लेकिन दोस्तों, 4 वर्ष रिटायरमेंट के बाद में क्या होगा? तो क्या पहले जैसे ही बेनिफिट्स मिलते रहेंगे उसे? मुझे लगता है 4 वर्ष या नौकरी करने के बाद आपको 3-4 ऑप्शन और मिलेंगे। सबसे पहली बात, बाकी सभी भर्तियों में आपके लिए पद आरक्षित हो जाएंगे। एक्स सर्विसमैन के नाम से होता है, वो पद आपके यहाँ भी आरक्षित हो जाएंगे। आयु सीमा में आपको छूट मिलेगी, एक्स सर्विसमैन को 10 वर्ष से भी ज़्यादा की आयु सीमा में छूट मिलती है। और तीसरा, कहीं ना कहीं आपको अंशदायी पेंशन योजना ज़रूर मिल जाएगी, यानी यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। इन्होंने 4 वर्षों में सैलरी के बारे में भी बताया कि आपको किस वर्ष कितनी सैलरी मिलेगी, और वो सब चीज़ें डेटा इंक्लूड है, आप जानते हैं। माय डियर, इन 2 बड़े डिपार्टमेंट को मैं आपके सामने रख रहा हूँ जहाँ वैकेंसी की संभावना है। आपके लिए इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट है उसे आप चूज कीजिए और आज ही अपनी तैयारी में शुरू हो जाइए। क्योंकि दोस्तों, सीधी सी बात है कि आम चुनाव सामने है, तो उन चुनावों को ध्यान में रखकर कदम उठाते हैं। और बहुत बड़े, वो तो यूँ कहें कि राजनीतिज्ञ है, हर चीज़ में दूरगामी सोच रखते हैं। 1.5 वर्ष का टारगेट ही क्यों लिया, क्योंकि 2 वर्ष बाद में चुनाव है। तो मुझे लगता है कि ये उस दृष्टिकोण से ये चीज़ें सही साबित हो सकती है। हालांकि पिछली बार उन्होंने ये कहा था कि हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे, इस बार उन्होंने ये कहा है कि 10 लाख नौकरी देंगे। और नौकरी में हालांकि इन्होंने ये नहीं कहा कि सरकारी है या प्राइवेट, तो कुछ हम इसमें सरकारी मान कर चल सकते हैं। उसके बाद में डिपार्टमेंट जैसे DRDO हो गया, ISRO हो गया, और भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने PSUs है, उनमें वैकेंसी की संभावना हम मान करके चल सकते हैं। खैर दोस्तों, ये था मेरा ओपिनियन, आपका क्या मानना है? आप हमारे विचारों से कितने सहमत हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, हमें कमेंट करके अपना विचार, अपनी राय ज़रूर देवें। आप हमारी बातों से कितना सहमत है ये भी हमें ज़रूर बताएं। बाकी टेक्निकल की तैयारी के लिए दोस्तों, चैनल पर मैंने खूब मटेरियल डाउनलोड अपलोड कर रखा है, आप उस मटेरियल का सहारा लेकर भी अपनी रेगुलर तैयारी कर सकते हैं। जो टेक्नीशियन और ALP का एग्ज़ाम होता है, उसमें टेक्निकल के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, अपना चैनल आपको पूरी तरह से वो सिलेबस कवरअप करवा सकता है। प्लेलिस्ट में जाइए, जिस टॉपिक की आपको तैयारी करनी है आप कर सकते हैं। और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड कीजिए और तैयार रहिए दोस्तों। हम जल्द ही आपको वहाँ पर
और अलग से भी कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।